भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए, एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। केटीबी ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम केटीबी ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड राय। आदाब नाजरीन, एवन टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल एवन टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर। नाजरीन, असेंबली इलेक्शन में रियासत की सियासत जोरों पर चल रही है। इसी तरह हमारे शहर रायचूर में जनार्दन रेड्डी की कल्याण राज्य प्रगति पक्षा के उम्मीदवार रामन गौड़ा, जिनका निशान फुटबॉल है और वो इस इलेक्शन से कबल जेडीएस पार्टी से जुड़े रहे और टिकट नहीं मिलने की वजह से वो जनार्दन की पार्टी से रायचूर असेंबली इलेक्शन के उम्मीदवार बने हैं और कई लोगों की इनके साथ हमदर्दी भी है और रोजाना इलेक्शन का प्रचार जोरों पर कर रहे हैं। इसी तरह आज सुबह बारगाह खुतबे रायचूर हजरत सैयद शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज्यारत करके उनकी रैली गंज सर्कल से एक बड़ी रैली की शक्ल में प्रचार करके फुटबॉल के हक में वोट पूछती हुई नजर आई। सबको सलाम। मैं आज बाबा शमशालम बाबा के दरगाह में दुआ लेने के, बाबा की दुआ से जो हमारा प्रचार चल रहे बहुत ही अच्छी से, बहुत लोग इंतजार में हैं, जो नया फेस नया आदमी को सब कम्युनिटी को ले जाने वालों को एक हवाम को चाहिए पहुँचाने के लिए। रामन गौड़ा साहब एक अकेला आदमी है, पूरे हिंदू मुसलमान क्राइस्ट जैन पूरे लोगों को साथ में ले जाने वाले एक मामूली आदमी है। इनके साथ हम जुड़े तो एक अच्छा रायचूर को शांति से और सुव्यवस्था से पूरे लोगों के साथ हम साथ ही रहते, साथ में काम करते। इनका जो पॉसिबिलिटी से है, जो लोग जीतने का वो पॉसिबिलिटी से को हम उम्मीद करते हैं। रामन गौड़ा साहब 100% जीतेंगे बोल के जो लोगों के दिल में है उस हवाओं को मैं एक ही बताना चाहता हूँ, जो आप उम्मीद रखे इंशाल्लाह वो उम्मीद कामयाब होंगे। अगले दिन जो आने वाले रिजल्ट के बाद जो रायचूर को हमें जो हॉस्पिटलाइजेशन और रोड के और जो पानी के वास्ते पानी पी के जो मर चुके हैं उन लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, अगले आने वाले दिन में जो पानी से नहीं, रास्ते से नहीं, हॉस्पिटल से नहीं, पूरे एरिया को हम एक सुधार करने के लिए जो जो कुछ करने का है हमारा डेवलपमेंट काम है, जो वाटर करन दे और हॉस्पिटलाइजेशन स्कूल का और रोड का ड्रेनेज का और मेन प्रॉब्लम है जो शौचालय का, जो टॉयलेट्स का प्रॉब्लम है पूरे एरिया में और पब्लिक टॉयलेट्स है और घर की टॉयलेट्स होंगे, ये टॉयलेट्स को हम जरूर 100% नेक्स्ट डे से जब हम चुनावित होते नेक्स्ट डे से वो काम चालू करता हूँ। जो पानी का प्रॉब्लम अब रोज चल रहा इसको हम बहुत सीरियस लेने की वजह से अभी भी हॉस्पिटल जाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। इस मौके पे मैं एक ही बताना चाहता हूँ, खाली मेरे को एक वोट डाल दो, आप फुटबॉल को एक वोट डाल दो, मैं जिंदगी भर आपका मैं भूलूंगा नहीं, आपकी सेवा करता हूँ, आपके सेवक हूँ, आपके घर के आदमी हूँ, आपके भाई हूँ, आपकी छोटा भाई हूँ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ सब कम्युनिटी को, मैं एक ही बार बोलना चाहता हूँ, सब मेरे को आशीर्वाद दे, दुआ दे, इंशाल्लाह शमशालम बाबा का दुआ हमारे ऊपर हमेशा रंदे बोल के।
एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड